वेलकम बैक टू माई चैनल स्मिताज गुड लाइफ, और मैं हूँ स्मिता। तो ये हम पहुँच गए थे गुलमर्ग सुबह 8:30 बजे। हम श्रीनगर से निकले थे और 2 से 2.5 घंटा लगता है गुलमर्ग पहुँचने में श्रीनगर से। तो बस हम वहाँ आए और वहाँ उतरते ही आपको बहुत सारे लोग साथ लग जाएंगे कि टैक्सी कर लो, तो हॉर्स राइड कर लो, मैं यहाँ ये साइड दिखाऊँगा, वो साइड दिखाऊँगा। तो बस हमारा क्या मोटिव था कि हमें स्नो देखना था। इनफैक्ट जिशु को बहुत ज़्यादा मन था स्नो देखने तक का, क्योंकि हमें गंडोला राइड का टिकट नहीं मिला था। तो वहाँ पर तो फेज़ 2 पर तो स्नो रहता ही रहता है। तो बस हमें जो टिकट्स नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ 14th तक टिकट्स एकदम बुक थे और हमें 11th को वापस भी आना था। तो बस हमने क्या किया कि हमने हॉर्स राइड ले लिया, क्योंकि ये बता रहे थे कि ये हमें स्नो दिखाएंगे। ये फेज़ 2 तो नहीं, लेकिन फेज़ 1 क्रॉस करके फेज़ 1 से ऊपर और फेज़ 2 के नीचे बीच में एक जगह है जहाँ से स्नो दिखने लगता है, वहाँ पे मिलता है। तो बस हम वहीं के लिए हॉर्स राइड कर लिए थे और हॉर्स राइड इंजॉय करते हुए हम चल पड़े स्नो देखने। इसी जगह का नाम पड़ता है स्ट्रॉबेरी वैली, जहाँ पे करण और चोपड़ा की हट है। वो बता रहा था इस जगह का नाम था स्ट्रॉबेरी वैली और यहाँ पे कर्नल चोपड़ा का हट था। और ये रास्ते में हमने बीच में हॉल्ट लिया था, क्योंकि घोड़ों को भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए था। तो बस यहाँ पे हम उतर के थोड़ा सा चाय वाय पिए और थोड़े बहुत फ़ोटो सेशंस हुए यहाँ पे, फ़ोटो क्लिक करवाए और फिर हम निकल गए आगे अपने मंजिल की। और यहाँ पे ना बहुत सारा, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या नाम दूँ उसे, बहुत लोगों को लूटते हैं। अपनी भाषा में वो बातें करेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको बता के आएंगे कि 3 साइड दिखाऊँगा, 6 साइड दिखाऊँगा और पूरे का आपको 3500 लगेगा एंड ये और वो, वहाँ स्नो के पास भी ले जाऊँगा। बट मैं आपको बता दूँ, आप बस कुछ नहीं, आप 1000 रुपीज़ पर हॉर्स दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मांगेगा तब 1200 जाइएगा। शुरू तो वो 3500 से करते हैं पर हॉर्स पर पर्सन, बट उतना नहीं देना है। बस बार्गेनिंग स्किल आपको यहाँ पे दिखाना है और थोड़ा सा इन लोगों से अलर्ट रहिएगा। ये लोग आपस में बातें करके और हम लोगों को कुछ कुछ और दिखा देते हैं, तो बस ये नहीं करना है। मैं तो सारा देख कर गई थी वीडियोस वगैरह, तो मुझे आइडिया था, तो मैंने वहाँ पे उन लोग को बोल बोल के मैं वहाँ ले गई। बट आप लोग ये थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, ये लोग बहुत ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे। तो बस जैसा कि मैंने बताया, 1000 रुपीज़ पर पर्सन हॉर्स राइड के लिए दीजिएगा। आपको फेज़ 2 से नीचे ले जाएगा वहाँ पे, और वो आपको वहाँ पे स्नो के पास ले जाएगा। बीच में बहुत सारे इन लोग का टाइप्स होते हैं वहाँ, स्लेज वाले से, स्कीइंग वाले से, वो बोलेगा आप इससे कर लो, उससे कर लो। बट वहाँ पे आपको बस अपना माइंड यूज़ करना है, अपना देखना है कि कैसे क्या करना है। थोड़ा सा इन लोगों से बच के चलना है, ये मैं आपको बता दूँ। और बहुत बहुत और एक और चीज़ है, जब हम जून और जुलाई में जाते हैं ना, ये गुलमर्ग या पहलगाम या कश्मीर, तो बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहता कि हम ठंडे कपड़े लेकर जाएं या ना लेकर जाएं। बट मैं आपको बोलूँगी, आप कॉटन भी लेकर जाइए और वुलन क्लॉथ्स भी लेकर जाइए, क्योंकि पहलगाम और गुलमर्ग में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। और बहुत ज़्यादा हमें तो पता नहीं था कि हमें स्नो मिलेगा गुलमर्ग में। हमने तो सोचा था कि बस गुलमर्ग घूम के आ जाएंगे, तो बस एक स्वेट शर्ट पहन के हम लोग गए थे, हस्बैंड भी स्वेटर पहने थे। बट जब हम ऊपर गए स्नो के पास, तो बहुत काफ़ी ठंड था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि समर्स में कश्मीर जा रहे हैं तो वुलन कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वुलन कपड़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। राइट 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 भैया राइट, कैसे करेगा, लगाम दिए कहाँ हो, लगाम दिए क्या हो हाथ में, हम लगाम नहीं पकड़े हैं ना। और ये हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, और ये बहुत ही खूबसूरत था। मैं तो बस थोड़ी देर पहले वहाँ पे रुक के देखी, फिर मुझे महसूस हुआ कि ठंड काफ़ी है, बहुत काफ़ी
ठंड थी तो मैंने वो क्या किया, स्वेट शर्ट का कैप वैप लगा लिया। हमने तो जैसा कि बताया आपको कि बस स्वेट शर्ट और स्वेटर पहन के गए थे, बट काफ़ी ठंड थी, जैकेट की तो ज़रूरत पड़ेगी, बट हमने लिया नहीं था। तो बस फिर भी बचे, बहुत हद तक हम ठंड से बचे। और ये देखिए जीशु कितना इंजॉय कर रहा है। था कि हमें गंडोला राइड का टिकट्स नहीं मिला था, तो हमने पोनी राइड करके या हॉर्स राइड करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये फर्स्ट फेज से ऊपर है, इसका नाम खिलन मर्ग है इस जगह का नाम। तो बस देखिए यहाँ पे भी बर्फ है, एंड एटलीस्ट हमारा आना एक तरह से सक्सेसफुल हुआ। कश्मीर आए और बर्फ ना मिले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। वो देखिए जीशु खेल रहा है, उसे एक फ्रेंड मिल गया हमारे साथ ट्रिप पे, बस उसी के साथ वो स्नो से खेल रहा है। पूरा गुलमर्ग दिखेगा यहाँ से। एक मैंने रास्ते में आपको दिखाया था पॉइंट, जो कि व्यू पॉइंट समथिंग, क्या था, कौन सा पॉइंट था, व्यू पॉइंट, वहाँ से आपको पूरा गुलमर्ग दिख रहा था। और यहाँ से यू कैन सी एटलीस्ट हाफ या कुछ भी जो भी गुलमर्ग का पार्ट है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। और वो देखिए सामने सिर्फ स्नो ही स्नो है पहाड़ पे। बीच से आओ, बीच से। ये दोनों मस्ती कर, जीशु डोंट गो दैट साइड, जीशु जीशु गिर जाओगे, हमको भी ले डूबोगे। बस 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 उसको देखो। लो उज्जवल पापा का फोन आया। लो ना भाई, सब देख कर ले रहे बाबा, ले तो रही है। और इतनी ठंड थी यहाँ पे ना कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे, बिल्कुल कांप रहे थे मेरे हाथ पैर। मैंने बोला, सोचा क्या करूँ, फिर तो मैंने देखा सामने में एक छोटा सा हट जहाँ की भीड़ लगी थी, वहाँ पे मैगी बन रही थी गर्मा गर्म। तो बस हम मैंने क्या किया कि मैंने सभी लोग से पूछा, बट किसी ने नहीं खाया, बट मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, तो मैंने सोचा मैं तो खाऊंगी ही मैगी। तो फिर मैंने बहुत ही गर्मा गर्म मैगी खाया, तब जाके मैं थोड़ी सी शांत हुई, मेरा हाथ पैर कांपना रुक गया। तुम ले लो मेरा खाते हो। पॉपकॉर्न चुन गया। जीशु तुम भी थोड़ा सा खा लो, अच्छा लगेगा गरम गरम। मैं नहीं खाऊंगा। गरम गरम अच्छा है, लेकिन अच्छा है जीशु सच में। मैगी का सूप नहीं है तो नहीं खाऊंगा, उसी के लिए तो खाता हूँ। खा गया देखो ना, थोड़ा सा नहीं बर्फ के नीचे You just take mountains. ये वेगास क्रैंप। पहाड़ों वाली बर्फ। दिखने लगा। वाओ, देखो यहाँ पे धूप हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे अभी तक तो बहुत ठंड लग रही थी, देयर वाज क्लाउड्स ऑल ओवर, जा फिर खत्म, हल्का सा धूप आया फिर धूप खत्म। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे अपने घोड़ों की तरफ, बस हॉर्स राइड लेके जैसे आए थे वैसे नीचे चले जाएंगे। बट इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत बढ़िया था। ये देखिए नज़ारा नेचर का, इट्स सो ब्यूटीफुल। देखा आपने, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और कांप रही हूँ, बहुत ठंड थी। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि गर्मियों में जा रहे हैं तो कश्मीर में ठंड नहीं होगी, कश्मीर में तो ठंड है,
तो आप गर्मी का भी तैयारी करके आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।